हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर द रेड ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लैगरलॉफ। हाँ जी, सेल्मा लैगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी, जो उनका लगभग टीचिंग काल, वो उन्होंने टीचिंग भी की, लगभग 10 साल तक उन्होंने ग्रामीण परिवेश में टीचिंग की हुई थी। तो जी, उनकी कहानियों में जो बचपन की उन्होंने स्टोरीज वगैरह सुनी हुई थी, तो उनका मेन विषय वो रहता है, मेन जो बैकग्राउंड है वो उसकी तरफ घूमता रहता है। सेल्मा लैगरलॉफ को लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो जी, सेल्मा लैगरलॉफ ऐसी महिला हुई हैं जिसे साहित्य में पुरस्कार मिला, तो फर्स्ट स्वीडिश महिला हुई ये सेल्मा। तो 1909 को उन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला। तो उनकी कहानियों में बचपन की जो उसकी कहानियां स्टोरी सुनी होती है, उनका केंद्र विषय रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब किसान को ठग लेता है, और बाद में उसकी जो अच्छाई होती है, एक एडला नाम की एक महिला होती है, लड़की होती है, वो उसको ऊपर उठाने में, उसमें सुधार करने में सक्षम होती है। कैसे उसमें सुधार आता है, क्या स्टोरी में होता है, आइए डिटेल में थोड़ा सा स्टोरी को जान लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगा आपके पास, टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप जानते रहेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ, मैं प्लस टू टेंथ का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, उसको लेकर वीडियो आती रहती हैं। एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वहाँ बताता हूँ, क्वेश्चन हो या स्टोरी के कुछ पॉइंट हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर टेंथ या प्लस टू, वो ग्रामर भी आपके लिए चलती रहती है। ग्रामर में आपको मैं मेन जो टॉपिक जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये जानते रहेंगे। और एक उनका तरीका भी लेके आता हूँ मैं, इसको याद भी कैसे किया जाए। हाँ जी, टीचिंग तो हो जाती है, मोस्टली टीचर वो टीचिंग करवा देते हैं, लेकिन मैं जो टीचिंग जो उसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आस्पेक्ट ये रहता है कि बच्चों को याद कैसे करवाया जाए। हाँ जी, मैं सिखाता हूँ, टीच भी करवाता हूँ, लेकिन वो टीच करवाया उसको याद कैसे रखना है लंबे टाइम तक, वो मेथड्स मैं आपको देता हूँ। तो इस वजह से आप मुझे जुड़े रहेंगे। हाँ जी, तो जी लेसन को स्टार्ट करते हैं, द रेड ट्रैप। तो जी, एक चूहेदानी बेचने वाला गरीब व्यक्ति चूहेदानियां बेचता है, और चूहेदानियां बेचने के लिए वो यहां वहां से कहीं से तार इकट्ठी करता है, उनकी चूहेदानियां बनाता है, फिर उसे बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो जी, चूहेदानियां बेचता है, बहुत ही गरीब है, फटेहाल है, कपड़ों से उसके जाहिर होता है कि बहुत ज्यादा गरीब वो व्यक्ति होता है। तो जी, ऐसे ही कुछ चूहेदानियां उसने अपनी पीठ पर उठाई हुई है और रास्ते से वो जा रहा है। जाते जाते क्या होता है, थोड़ी सी शाम हो जाती है, सर्दियों का टाइम होता है, दिसंबर का महीना, बड़ी ठंड पड़ती है। तो वो रास्ते से जा रहा होता है, तो उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, सोचता है आज शाम वहीं रुक जाऊं। तो वहां जाता है, वहां एक उसे गरीब बूढ़ा किसान मिलता है, तो उसे बोलता है कि मुझे आश्रय मिल सकता है। वो बूढ़ा किसान अकेला ही रहता था उस घर में, उसके बच्चे नहीं थे, अकेला बेचारा जीवन यापन कर रहा था। जैसे ही एक व्यक्ति उससे ये पूछ रहा है कि रह जाऊं, तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है कि वो अकेला है, कोई साथ उसके हो जाएगा, टाइम स्पेंड अच्छे से हो जाएगा, बातें कर लेगा। गरीब किसान वृद्ध जो होता है वो बहुत ही दयालु होता है, वो उसे आश्रय देता है, भोजन देता है, शाम को वो अच्छे से बातें करते हैं सब। वो बताता है गरीब किसान कि मैं एक रेमसो मिल है यहाँ, मैं उसमें काम करता था, वहां से मैं अपना पैसा कमाता था, इनकम होती थी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं उस मिल में काम नहीं कर सकता, तो जी मैं अपनी गाय है उनका दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। देखो, वो दिखाता भी है, देखो मैंने 30 क्रोनर 30 क्रोनर मैंने अपने दूध बेचकर अभी कमाए हैं। तो जी वो उसको दिखाता है। तो पहले से ही चूहेदानी बेचने वाला इस संसार के बारे में अपना कुछ विचार रखता है कि ये संसार है जो एक चूहेदानी की तरह है, और जो बंगले गाड़ियां ऐसो आराम जो होती हैं वो उनको एक फंदा समझता है,
उनको अपने जाल में फंसाने का एक चक्कर समझता है। जैसे कि हम कोई चूहेदानी होती है, उसमें रोटी कोई बटर कोई टुकड़ा लगा देते हैं और चूहा आता है उसमें फंस जाता है। तो ये चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही सोचता है कि संसार भी चूहेदानी के समान है और जो ये प्रलोभन है ये हमें फंसाने के लिए होते हैं। तो ऐसा ही सोच होती है उसकी। तो वो 30 करोनर वृद्ध किसान उसको दिखाता है तो उसके दिमाग में लालच आ जाता है कि उसने 30 करोनर दिखा दिए तो उसके लिए प्रलोभन हो गया। लेकिन वो उसको भी लूटने की जब योजना बनाता है तो बड़ा दुख भी होता है हमें। उसने आश्रय दिया, भोजन दिया। तो जिस रात में क्या होता है, वो अपने बातें करते हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह सुबह वो गरीब वृद्ध किसान भी अपनी गायों के लिए कोई चारा वगैरह लेने के लिए गया है, फिर अपने काम से वो घर से दोनों इकट्ठे साथ निकल जाते हैं। चूहेदानी बेचने वाला अपने रास्ते हैं और वो अपने काम पर चलते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद चूहेदानी बेचने वाला वापस उसके घर में आता है, वहां से उसके 30 करोनर चुराता है और चला जाता है। तो चलता जाता है, सोचता है मुझे जो आम जो लिंक रोड वगैरह है उसे नहीं चलना चाहिए, वहां से तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो क्या करता है, जंगल के थ्रू हो लेता है। जंगल से जाते जाते चलता जाता है। तो क्या होता है, उसे कहीं भी उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो रास्ता ही नहीं मिलता तो भटकता रहता है, थक जाता है। सर्दियों का मौसम होता है और थकान से पसीने से उसे बड़ी दिक्कत होती है। तो जी वो बैठ जाता है, हार थक के बैठ जाता है उसी स्थान पर, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता है। बार बार घूम घूम फिर के वहीं आ जाता है, जंगल का कोई उसे छोर नजर आ ही नहीं रहा है। तो जी वहां बैठ जाता है थक के। तब उसे थोड़ी सी आवाज ठक 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 कुछ हैमर हथौड़े की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो देखता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ कोई है जो ये आवाज कर रहा है। वो उस आवाज की डायरेक्शन में वहां चल पड़ता है जहां से आवाज आ रही होती है और वो पहुंच जाता है जी रैम्सजो मिल, आयन मिल में, लोह मिल में पहुंच जाता है जिसका नाम होता है रैम्सजो। तो जी वहां जाकर वो देखता है कि वहां लोग काम कर रहे हैं, उसके आग जलाई हुई है और ठंड का भी जैसा मौसम होता है अब उसे ठंड और भी लगनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पसीना भी आ गया था उसके चिथड़ों से पसीना वगैरह। और वो जैसे ही उस आग के पास बैठता है उसमें से उसे भाप सी उठती है और जो पास वाला जो एक लोहार होता है, मिस्त्री होता है, वो उसे देखता है कि क्या अजीब सा व्यक्ति यहाँ कैसे बिना परमिशन के बैठ गया है ऐसे। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता है तो वो चूहेदानी बेचने वाला कहता है क्या मुझे शाम का आश्रय मिल सकता है। वो बेचारा अपने काम में बिजी था, लोहार मिस्त्री मीन, वो इतना उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो वहाँ अपना आग के पास बैठ ही जाता है चूहेदानी बेचने वाला। फिर मील का मालिक आ जाता है अपने रात के इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए। जब आता है तो देखता है ये कौन है भाई, ये कौन आग के पास बैठा हुआ है गरीब चिथड़े से पहने हुए का। तो उसको ऐसे देखता है और उसके दिमाग में अरे आपको ऐसे कैसे, वो उस चूहेदानी बेचने वाले को अपना कोई पुराना परिचित समझ लेता है, ये तो वो है। तो उसके साथ बड़े प्यार से बात करता है, कैसे आप यहाँ, कैसे आप ऐसी हालत में कैसे। तो चूहेदानी बेचने वाला भी समझ लेता है कि इसने तो मुझे शायद गलत समझ लिया, लेकिन क्या है हमें तो टाइम स्पेंड करना है, आश्रय सुबह में चल दूंगा। तो वो कुछ नहीं कहता है इस प्रकार से। तो जी वो कहता है कि चलो मेरे घर चलो, मैं आपको बढ़िया खाना दूंगा, आश्रय दूंगा वहां। तो चूहेदानी वाला सोचता है कि शायद मैं किसी बड़े चक्कर में ना फंस जाऊं। तो वो सांप बिल्कुल उसको मालिक को मना कर देता है और मालिक वहां से चल पड़ता है। लेकिन मालिक अपने घर जाकर अपनी बेटी को ये कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे अपना परिचित एक मित्र मिला और वहां मील में है और ऐसे मैंने आग्रह किया आने के लिए लेकिन वो आ नहीं रहा है। अब बेटी से वो रिक्वेस्ट करता है आप मना के लाओ। तो बेटी जाती है, उससे बड़े प्यार से बात करती है, मित्र भाव से बात करती है। वो कहती है क्रिसमस की ईव है, इवनिंग है, तो आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम आपके साथ वो कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ आइए बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और आप सुबह चले जाना, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो वो उस आग्रह पर, दयालुतापूर्वक आग्रह पर चूहेदानी बेचने वाला सहमत हो जाता है, एग्री हो जाता है और उसके साथ चल पड़ता है।
घर जाकर वो उसको अच्छे नौकरों से उसको नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छे सूट बूट, उसका बिल्कुल फेस है वो रियल का उसके सामने हो जाता है। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल यानी के टेबल पे भोजन कक्ष में उस टेबल पर आता है, अब मालिक उसे मीन अब सही उसके रूप में देखता है। पहले तो चिथड़े पहने हुए था, बाल बड़े बड़े थे, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, उसने उसको पुराना परिचित समझ लिया। लेकिन अब बिल्कुल लाइट में बिल्कुल क्लियर हो गया, अरे ये तो मेरा मित्र नहीं है, मुझसे गलती हो गई। तो उससे वो कहता है कि तुम कौन हो, तो वो चूड़ानी बेचने वाला भी अपना डर जाता है कि ऐसे कैसे, उसको बोलता है श्रीमान जी आपने मुझे आग्रह किया था, मैंने कोई कोई अपराध नहीं किया है, आपने मुझे आग्रह किया था तो मैं यहाँ आ गया, तो मैं जी अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मैं चला जाता हूँ। तो ऐसा करता है, तो उसकी बेटी होती है मालिक की एडला, तो वो उसको अपने पिता को मनाती कि कोई बात नहीं, जो भी गलती होगी ऐसे होगी, क्रिसमस की ईव है और इसको आज यहाँ रुकने दीजिए, टाइम स्पेंड करने दीजिए, हमने आग्रह किया था बुलाने के लिए, गलती हमारी है, कोई बात नहीं है। तो बेटी उसको अपने पापा को मना लेती है, तो वहाँ वो हंसी खुशी से टाइम स्पेंड करता है, अच्छा भोजन खाता है, आराम से वो नींद लेता है अच्छी वाली। तो जी सुबह फिर अगले नेक्स्ट डे सुबह वो चर्च के लिए चले जाते हैं एडला और उसके पिताजी, और चर्च में उन्हें पता चलता है कि किसी चूहेदानी बेचने वाले ने एक गरीब वृद्ध किसान को लूट लिया, उसके 30 करोनर चुरा लिए। तो वहां पता चलता है, ऐसे ही पता चलता है पिता के दिमाग की घंटी टन हो जाती है कि कहीं मेरी अलमीरा से वो चांदी के चम्मच पड़े हुए हैं वो ना चुरा ले। तो अब जल्दी जल्दी बाप और बेटी जल्दी जल्दी भागते हैं घर के लिए, और जैसे ही गाड़ी घर पे रुकती है उनका नौकर मिलता है, अरे वो चूहेदानी बेचने वाला कहाँ है, कहाँ है वो? नौकर कहता है वो तो चला गया। अरे चला गया, कुछ साथ तो नहीं लेके गया? वो नौकर कहता है कि नहीं साथ में कुछ नहीं लेके गया, एक बल्कि छोटा सा एक पैकेट छोड़ के गया है, वो छोड़ के गया है एडला के लिए। वो देखते हैं लेटर कुछ लिखा हुआ है एडला के नाम, और उसमें उसे खोलती है एडला, तो उसे 30 करोनर मिलते हैं, 30 करोनर उसे मिलते हैं उसमें, और उसमें लिखा होता है अगर आपने मुझे, एडला को संबोधित करके लिखता है कि अगर आपने मुझे सुधारा ना होता, इस प्रकार से एक कैप्टन की तरह मुझसे अच्छा व्यवहार ने किया होता, तो मैं आज वही पुराना रेड ट्रैप बना रहता, मैं सुधरता ना। तो आपकी दयालुता, आपकी समझ ने, आपके बड़े मित्र भाव ने प्यार से जो मुझसे डील किया उससे मेरे अंदर अच्छाई को जगाया, और मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 30 करोनर हैं ये उस वृद्ध किसान को लौटा दिए जाएं, और उसके अंदर एक पैकेट में चूहेदानी भी होती है, और ये चूहेदानी मेरी तरफ से आपके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट समझें। तो इस प्रकार से स्टोरी में एडला नाम की एक महिला होती है, वो उसमें अच्छाई को उजागर कर देती है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि कई बार क्या होता है, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं, वो जीवन में कुछ गलत काम कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर अच्छाई होती है, वो प्यार से वो हमारे सामने आ सकती है, हम प्यार से उसे डील करके उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये स्टोरी है जो रेड ट्रैप, ये हमें यही संदेश देती है। हाँ जी, तो इस स्टोरी में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक काम करते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। ओके, सी यू सून।